thank you हेलो एवरीवन मैं आयुष अग्नि आप सभी का स्वागत करता हूँ महेंद्रास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग रिया मौर्य सिंह आ चुकी हैं कीर्ति सिंह तहमीन खान राहुल कुमार अनुष्का सोनी विकास सुभमोय घोष जी आ चुके हैं हिमांशी आ चुकी हैं अंतिमा ज्योति कुमारी हिमानी जैन पूर्वजा सृष्टि शुक्ला उदय नारायण अनुप्रिया वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को वीकेंड में हम लोग आ चुके हैं कब ये वीक शुरू हुआ और कब हम सैटरडे में आ गए पता ही नहीं चला है ना बहुत ही तेजी के साथ टाइम जाता है डियर टाइम के साथ चीजों को करते रहे तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी बिल्कुल अमित कुमार गुप्ता जी आ चुके हैं राधे राधे हर हर महादेव बिल्कुल चलिए दैट इज तो वीकेंड यानी सैटरडे में आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे देखते हैं आज का जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है एक्साइटमेंट डियर अगर हमारी चीज हमारी लाइफ है ना हमारी लाइफ में बहुत बार होता है कि हम एक्साइटमेंट में बहुत सारी कुछ चीज़ें एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में बहुत ज़रूरी है एक्साइटेड होना अपने गोल्स को लेकर अपने काम को लेकर अपनी वर्किंग को लेकर अगर हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है तो बिना एक्साइटमेंट लाइफ कैसी होगी डल होगी है ना कहीं ना कहीं हम आलस की तरफ जाएंगे अगर हम एक्साइटेड रहेंगे अपने गोल के लिए अपने हर एक दिन के लिए एक्साइटेड रहेंगे कि आज मुझे ये करना है तो करना है लेकिन फिर भी दिन खत्म होते होते जो भी हमने अचीव किया उसको एक्सेप्ट करके जो बचा है उसको नेक्स्ट डे के लिए आगे फॉरवर्ड करना भी अच्छी बात है लेकिन पूरे दिन हम एक्साइटेड तो रहे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने काम को फुलफिल करने के लिए तो बिल्कुल हमें एक्साइटेड रहना चाहिए और एक्साइटमेंट में कभी भी जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए एक्साइटमेंट में कभी कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो वो हमें सोच समझ कर लेने चाहिए वो एक्साइटमेंट में डिसीजन अपने आप से ऐसे है ना तो वो आप बिल्कुल समझ रहे हैं तो चलिए इसी वर्ड के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को चलते हैं इसी के साथ ही एक्सेस तो, तो दैट इज़ जो भी हमारे सेशन में फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं डियर आपको बता दूं सेशन का इंडेक्स है यानी इवेंट जो हमारे सेशन में रहते हैं लास्ट डे हाईलाइट सबसे पहले देखते हैं, हैं।, हैं। करंट न्यूज की तरफ चलते हैं सात दिन है। होते हैं हफ्ते में है ना और सेवन ही इवेंट हमने यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं फर्स्ट लास्ट डे हाईलाइट सेकेंड डेज थर्ड इज रैपिड फायर फोर्थ इज कंपाइल करंट फैक्ट या एमसीक्यूनाटो क्वेश्चन तो ये जो करंट न्यूज वाला पार्ट है ये आपको नोट no डाउन करना होता है शॉर्ट में और स्टैटिक जीके और करंट फाइल करंट फैक्ट के लिए आपको एक फाइल बनानी है और फाइल में धीरे धीरे थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा चीजों को क्या करते जाना है कंप्लीट करते जाना है ओके वेरी गुड 2024 का करंट अफेयर दो में तो नहीं आएगा देखो डियर 2024 का करंट अफेयर उन्तीस में नहीं आएगा लेकिन अगर जीएस के बिहाफ पे बात करें जीके के बिहाफ पे बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं स्टैटिक जीके जो है वो आपका कवर होता जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि करंट अफेयर में क्या चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं एक अवेयरनेस का भी पार्ट होता है ये एक ऐसा सेशन है मान लो कोई एस्पिरेंट या कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा है वो भी अवेयरनेस के बिहाव पे सेशन को देखता देख सकता है या समझ सकता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है अगर एग्जाम की बात करें तो बिल्कुल 2024 का करंट अफेयर 2029 में बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है ओके okay, बहुत अच्छे देखिए यहाँ पे लास्ट डे हाईलाइट में रिलेटेड पॉइंट्स भी बताने शुरू कर दिए फटाफट फड़ा हम लोग चलते हैं लास्ट डे हाईलाइट की तरफ देखते हैं आज के लास्ट डे हाईलाइट्स में सबसे पहले हम लोगों ने फोर्थ ऑफ अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खादान जागरूकता दिवस मनाया था डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस डे ध्यान रखना है फोर्थ ऑफ अप्रैल को मनाया थीम आप सभी लिख रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे अनुप्रिया जी ने देखिए लिख दी है थीम वेरी गुड बिल्कुल यार मैं ठीक हूँ आई होप आप भी ठीक होंगे राधे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग यार नेक्स्ट न्यूज थी हम लोगों की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल धौलपुर में छात्रों से बातचीत की है जी हाँ आपके साथ डिस्कस हुआ था <laughs> नाटो आया था नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट 75 फाइव ईयर्स ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ब्रुसेल्स बेल्जियम बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था थर्टी टू मेंबर्स टोटल निकल कर आए थे है ना और इन्होंने अपने पचहत्तर साल पूरे होने का जश्न मनाया क्या था इनका स्टेब्लिशमेंट ईयर 1949 नाइन ईयर था डेट आप बताइए फटाफट फड़, है ना डेट तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे है है ना हम लोगों ने डिस्कस ही किया 1949 ठीक ईयर ओके ओके चलिए वेरी गुड सुशील कुमार दास जी आ चुके हैं बिल्कुल हम लोगों ने मंथली सेशन में हम लोग मिले थे ओके okay, उसके बाद से आज ही लाइव आ रहे हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल शिवानी नाथ जी प्रपोज बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस वेरी गुड बहुत अच्छे फ्रॉम उड़ीसा जी हारियर मुझे ध्यान है मुझे ध्यान है मंथली सेशन में हम लोग मिले थे है ना इतनी जल्दी मैं नहीं भूलता है ना वेरी गुड फोर्थ ऑफ अप्रैल नाइनटीन चलिए नेक्स्ट इज प्रोफेसर मीना चरंदा का नाम ध्यान रखना है 2024 में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड इंटरनेशनल कल्चरल कल्चर अवार्ड इंटरनेशनल कल्चर अवॉर्ड इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड ध्यान रखना है प्रोफेसर मीना चरंदा ठीक है इनका नेम ध्यान रखना है और बिल्कुल नेक्स्ट चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वदेशी गेहूं की किस्म जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है को प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है जीआई टैग दिया जाने वाला पहला प्रोडक्ट कौन था 2003 में जीआई टैग प्रोडक्ट्स इशू करना शुरू किए गए थे दो में पहला जो प्रोडक्ट था वो क्या था दार्जिलिंग ठीक है ना दार्जिलिंग टी थी पहला प्रोडक्ट जीआई जी टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को ये है, है जिसे दिया गया। यूपी सबसे अधिक जी देने वाला स्टेट बन गया है जिनको जीआई टैग टोटल नंबर ऑफ जी टैग यूपी से है सिक्सटीआई है टोटल नंबर ऑफ ठीक है बिल्कुल ध्यान रखना है कहीं ना कहीं डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन में बनेगा सिक्स अच्छा कई बार हिंदी की गिनती में हम इसे भूल जाते हैं क्या कहते हैं इसे उनहत्तर कहते हैं है ना कई बार बचपन में भी डांट पड़ी होती है और अभी भी कई बार हम लोग इसको भूल जाते हैं है ना भाई उनहत्तर हो गया उनसठ हो गया नवासी हो गया उन्यासी हो गया ये सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं पता है ना आपको बिल्कुल तो बिल्कुल ध्यान रखना है भाई है ना सिक्सटी नाइन चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज थी महाराष्ट्र ने भारत की छप्पनवी राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप क्या की है जीती है किसने महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र ने भारत की छप्पनवी राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप क्या की है विन की है किसने महाराष्ट्र ने बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और ये मेंस और वुमेन्स दोनों ने ही विन की है ठीक है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब का नाम ध्यान रखना है अनमोल खरब ने अस्ताना में कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में चार अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ महिला एकल क्वार्टर फाइनल में क्या हुई है आगे बढ़ी है यह भी न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की थी बिल्कुल वेरी गुड फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं आज बहुत सारी पता है न्यूज़ कुछ इस तरह की आई हुई है कि हम लोग डिटेल में कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर का सेशन होने की वजह से कई बार डिस्कस नहीं हो पाते जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि सर बैंकिंग अवैंस का कोई टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करने का जो है समझने का मन करता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन आज ऐसा मौका हमें मिल गया है कि हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं डर uh, जी आई टैग को लेकर जो भी uh, करंट पे जी आई टैग दिए जा चुके हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे पहले उनका भी कंटेंट जो है uh, हम फिर से एक बार आगे रिवाइज करेंगे तब देखेंगे और फिर हम आगे भी पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे ठीक है आज भी एक जी टैग हम लेकर आए हैं आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टैटिक पार्ट पे आप पहले के जो पी हैं वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तालिब खान जी तो जी टैग के टाइम पर आ गए थे आप है ना जी टैग ही चल रहा था मुझे लगता है तभी से आपने सेशन में आना शुरू किया था मुझे ऐसा कुछ रिकॉल है याद है है ना ओके मेल डिफीटेड डिफीटेड रेलवे 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 और डिफीटिंग वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम करंट न्यूज़ की तरफ एंट्री करते हैं चलिए देखते हैं आज की करंट न्यूज क्या होने वाली है ये सारे पार्ट रहते हैं करंट में कि न्यूज जो है वो नेशनल है ट्रिब्यूट है इंपॉर्टेंट डे है आप सभी को पता है जो भी न्यू ईयर है आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं देन इसी तरह से इंडेक्स रैंकिंग अवार्ड एन मतलब इतने सारे पार्ट्स में न्यूज़ हो सकती है जो भी पार्ट होगा वो ऊपर लिखा होगा इससे आप न्यूज़ को रिकॉल करने में आसानी रहती है कुछ इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए कई बार स्टूडेंट्स एक्सपोरेंट्स पूछते हैं भाई नोट्स कैसे बनाने चाहिए इस तरह से ब्रेक करके आप नोट्स बना सकते हो ये एक न्यूज़ को मैंने ब्रेक किया हुआ था और फाइनली ये आपके समझने के लिए है केवल और बहुत सारे फैक्ट भी इसके साथ ही आपको तैयार हो रहे हैं लोकसभा का जो हमारा वो है सिक्सटीन जून को कम्प्लीट हो रहा है टेन ओर सेवन फेजेज में इलेक्शन होने नाइनटीन अप्रैल से चार राज्यों में असेंबली इलेक्शन भी होने पता है आप सभी को जो भी न्यू ईयर है उनके लिए है नोट्स कैसे क्रिएट करते हैं तो इस तरह से ब्रेक करके आप ये नोट्स क्रिएट कर सकते हैं हाँ बिल्कुल वंश चौधरी जी बोल रहे हैं सर ये डेली लाइव होता है जी हार्ड डियर डेली लाइव होता है आपका किसी तरह का कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आप कर सकते हैं बिल्कुल डेली ही लाइव होता है हम आपके साथ डेली सुबह सात बजे लाइव होते हैं ठीक है ना चलो आ जाते हैं रियर फर्स्ट न्यूज बिल्कुल निकल कर आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है डिटेल में देखने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान से फोकस करिएगा आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आ, बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट पे भी रियर है ना बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट पर भी आ, रिया आग्रही बोल रही है सर कल भी क्लास लाइव हो गई नहीं रिया संडे को लाइव नहीं होता है रिकॉर्डिंग होता है संडे को है ना एज पर जैसे ही आगे अगर संडे को भी लाइव होगा तो फिर हम आपको बताएंगे संडे का सेशन लाइव रहता है लेकिन आप सुबह अपना शेड्यूल ना बिगाड़ा करें आप सुबह सात बजे ही लाइव क्लास कर लिया करें ठीक है इससे आपके और चीजें हो जो होती हैं वो आगे प्लेन आगे, आगे आपके लिए क्लियर हो जाता है पूरा दिन और फिर आप चीजों को आसानी से कर सकते हो तो आप अपने रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह ही क्लास कर लिया करो संडे की क्लास रिकॉर्डिंग होती है ठीक है ना मंडे टू सैटरडे लाइव ठीक है चलिए तो बात कर रहे हैं आरबीआई ने वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रा स्पीति फोर रहने का अनुमान लगाया है देखो शक्तिकांत दास जी को आप देख पा रहे हो आरबीआई के गवर्नर है किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर है ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई के जो गवर्नर है इनका टेन्योर देखो बहुत सारे पॉइंट हम बताने वाले हैं फटाफट ध्यान से बिल्कुल फोकस करते चलो लिखते चलो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात जिन लोगों को नहीं पता है वो सुनते चलो और जिन लोगों को पता है भाई वो ये मत सोचना ये तो हमें पता है देखो पता है तो आपका रिवाइज हो रहा है जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चलेगा और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा ठीक है वन दी कब तक लाइव होती है मतलब डियर मैं समझा नहीं है घंटे की क्लास होती है अप्रॉक्स वन आवर की क्लास होती है पचास मिनट पचपन मिनट कभी एक घंटा पाँच मिनट भी हो जाता है वो ऐसा कोई फिक्स मतलब फिक्स तो है एक घंटे का टाइम है है ना लेकिन अब वो क्लास पे डिपेंड करता है डिस्कशन पे डिपेंड करता है कभी हो गया डिस्कशन थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें ज्यादा हो गई तो एक ऑन एन एवरेज पचास से एक घंटा पाँच मिनट तक आप समझ सकते हो ठीक है ना ओके ठीक है चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है ये चलिए तो आरबीआई ने वित्तीय है। है ये? ये करेंगे और हमारे लिए सेंट्रल बैंक कौन है आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है वैसे हमारी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में काम कौन करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जी हाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता था यानी सेंट्रल बैंक जब नहीं था आरबीआई तो उसकी जगह पर काम कौन करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की यानी आरबीआई की तो आरबीआई एक्ट आया था कब 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 में आया और अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो डियर एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का हुआ था फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 1935 अप्रैल अप्रैल 1935 अभी हाल ही में हमने हमने ऑफ जब आया तो 90 कंप्लीट किए 90 साल कंप्लीट किए 90 years का नाइन्टीर्सेशन डे आरबीआई ने सेलिब्रेट किया इनिशियल स्टेज में आरबीआई की जो कैपिटल थी वो कितनी थी इनिशियल कैपिटल आरबीआई की कितनी थी तो आरबीआई की जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी फाइव करोड़ की इनिशियल कैपिटल से आरबीआई ने वर्क करना शुरू किया था ठीक है आरबीआई बी कब हुआ था आरबीआई का नेस्टलाइजेशन जो हुआ था ये हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कैसा था तो फिर ये प्राइवेट शेयर होल्डर था इनिशियल आरबीआई की कितनी थी फाइव करोड़ ठीक है सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का, का काम होता है किसी भी जो जिस भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा जैसे हमारी कंट्री का बैंक है आरबीआई सेंट्रल बैंक है आरबीआई तो जिस भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा उसका काम होता है वहां की करेंसी की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना वहां की करेंसी की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना क्लियर है ना इतना वहां की करेंसी की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना ठीक है चलिए देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इससे पहले यानी 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन था प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट जुलाई 1955 को एसबीआई में क्या हो गया था कन्वर्ट हो गया था ठीक है इसके साथ ही अगर हम बात करें इनिशियल कैपिटल हमने देख लिया अच्छा आरबीआई कौन से ऐसे दो कंट्री है जिनके सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया तो दो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और म्यामा जिसको म्यामा के नाम से जानते हैं ये दो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है किसने आरबीआई ने आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं इनका जो टेन्योर होता है हमेशा ध्यान रखिएगा इनका टेन्योर कार्यकाल होता है थ्री ईयर्स का ये रियर कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जहां पे हमेशा मैक्सिमम गलती आप लोग करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आरबीआई के गवर्नर हो या डिप्टी गवर्नर इनका कार्यकाल तीन साल का होता है अब देखो ई का मेन मोटिव क्या है मेन काम क्या है मैंने बताया डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना करेंसी की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना ठीक है अब डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने का मतलब है कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा कितना रहेगा यह भी डिसाइड कौन करता है यह भी आरबीआई ही करता है मार्केट में मनी फ्लो कितना होना चाहिए यह भी कौन डिसाइड करता है यह भी आरबीआई ही डिसाइड करता, करता है यानी देखो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ओके okay. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए ध्यान से समझना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए दो तरह की पॉलिसी निकल कर आती हैं ठीक है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए दो तरह की पॉलिसी निकल कर आती हैं है ना तो मैंने लिख दिया किसी भी इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को पॉलिसी निकल कर आती है और पॉलिसी यहां पर दो तरह से निकल कर आती है एक हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी ने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी आप देखो बहुत ही ध्यान से जब ये टॉपिक आता है डिस्कस करते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है आरबीआई जो भी काम इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आएगा आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब जिस कंट्री की गवर्नमेंट होगी है ना तो यानी जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो फिस्कल पॉलिसी कहलाता है और जो भी काम उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है ठीक है अच्छा इसके साथ ही जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को तो इसका जो ऑफिस था वो कहा था कैलकटा में स्टैब्लिस किया गया था है ना फिर दो साल के बाद नाइनटीन में ये परमानेंटली कहाँ आ गया मुंबई आ गया परमानेंटली कहा आ गया मुंबई ठीक है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनिशियल पॉइंट आरबीआई के रीजनल ऑफिस कितने हैं तो प्रेजेंट टाइम ट्वेंटी रीजनल ऑफिस हैं सब ऑफिस कितने हैं सब ऑफिसेस थर्टीन हो गए हैं न्यूली दो सब ऑफिस ओपन हुए जो आपको बताए थे नागालैंड की राजधानी कोहिमा में और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसके साथ ही अगर हम बात करें जोनल ऑफिस आरबीआई के कितने हैं फोर जोनल हैं न्यू न्यूडेली कोलकाता मुंबई और चेन्नई इन्हीं को हम लोकल बोर्ड्स भी बोल देते हैं लोकल बोर्ड्स भी बोल लेते हैं ठीक है तो देखिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रनआउट करने के लिए क्या चाहिए होती है पॉलिसी लेकर आते हैं दो तरह की पॉलिसी होती है मॉनेटरी और फिस्कल फिस्कल पॉलिसी उस कंट्री की गवर्नमेंट लेकर आती है और मॉनेटरी पॉलिसी उस कंट्री का सेंट्रल बैंक लेकर आता है तो हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आएगा आरबीआई लेकर आएगा अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है आरबीआई कैसे लेकर आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कैसे लेकर आता है तो बाय मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है कैसे आती है बाय मंथली आती है बाय मंथली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी यार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है कल यही बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आया कौन आरबीआई इससे पहले जो होता था बाय मंथली पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी आती थी कौन लेकर आता था आरबीआई लेकर आता था मेन होल सोल अथॉरिटी यहां पर कौन होते थे आरबीआई के गवर्नर साहब होते थे ऐसा नहीं है वो लेकर आती है बताइए उस कमेटी का नाम देखते कौन बताता है उस कमेटी का नाम बहुत सिंपल है मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर कर देंगे चलिए लेकिन मैं इस चीज को देख भी लेता हूं कई बार होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा अच्छा होता है या कभी कभी कुछ बुरा भी होता है तो चलिए बताइए जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है ये कौन सी कमेटी लेकर आती है क्या नाम है उसका फटाफट आंसर करेंगे आप सभी देखते हैं आंसर कौन करता है सबसे पहले आंसर किसका आता है ये बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है फटाफट -फड़ से बता दो इंतजार है हमें आपके आंसर का ओके वेरी गुड देखिए अनन्या तिवारी यहां पर बाजी मार ले गई है उन्होंने सबसे पहले राइट आंसर कर दिया है इन्होंने लिख दिया है एम

आज दे देना क्योंकि देखो आज ये मौका मिला है इसको डिस्कस करने का यहां पर नहीं तो फिर पता नहीं कब मौका आए है ना तो बिल्कुल सीख लेना आज आपने सीख लिया तो बस सीख लिया ठीक है एमपीसी बिल्कुल चलो बहुत अच्छे आप सभी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड अंजलि मोनडन वॉल का भी आंसर आया हिमांशी का भी आया हिमांशी उत्वल है आ, बिल्कुल वेरी गुड अंशुमन शुक्ला भी आंसर कर रहे हैं सर डिफाइन रेपोड हाँ बिल्कुल अभी करता हूँ ज्योति कुमारी भी कर रही है जनता भी कर रहे हैं अंतिमा गुप्ता भी कर रही हैं मोहम्मद तालिब खान जी कर रहे हैं तो भाई आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है मंथली आती है यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी मंथली पॉलिसीज आएंगी सिक्स अभी मंथली पॉलिसी लेकर कौन आता है MPC MPC एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेकर आती है इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं यार सिक्स मेंबर होते हैं तीन मेंबर होते हैं आरबीआई के और तीन मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है अब जो ये तीन होते हैं, हैं, हैं चार डिप्टी गवर्नर है डिप्टी गवर्नर से कोई दो हो या हो तो इस तरह से तीन के, तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी लेकर आती है बाय मंथली आती है हर दो महीने में यानी अप्रैल में आ गई अब कब आएगी जून में फिर जून के बाद कब आएगी अगस्त में फिर कब आएगी अक्टूबर में फिर कब आएगी दिसंबर में फिर कब आएगी फरवरी में और अगेन फिर अप्रैल में तो सिक्स बार टाइम आपकी एमपीसी कमेटी आती अच्छा कोई भी पूछे इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता आरबीआई मनी फ्लो को कंट्रोल करता कौन करता आरबीआई बैंकों को मैनेज कौन करता आरबीआई गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा कौन रखता आरबीआई गवर्नमेंट को उधार जरूरत पड़ने पर, पर कौन देता आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन आरबीआई आरबीआई क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी नहीं कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है सर ये मेंबर कौन गवर्नमेंट बनाती है ये देखिए गवर्नमेंट अपने थ्री मेंबर्स देती है है ना जो तीन मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो गवर्नमेंट ही बताती है कि भाई कौन से तीन मेंबर्स होंगे जो इस एमपीसी कमेटी के मेंबर होंगे और फाइनली ये जो तीन मेंबर हैं ये तो मैंने बताया एक गवर्नर साहब होंगे चार डिप्टी गवर्नर में से बचे हुए दो मेंबर्स होंगे और इसके बाद में आपका क्या होगा इसके बाद में दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं मतलब इन तीन में से एक गवर्नर तो होंगे ही होंगे और दो बचे हुए डिप्टी गवर्नर भी हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं ठीक है एमपीसी कमेटी दो हजार सोलह में बिल्कुल मनी रिलेटेड हाँ मॉनेटरी का मतलब ही ये है ठीक है

अब देखो पर क्या बोला गया है पॉलिसी भाई करना कभी भाई बहुत आसान काम नहीं होता हमें घर पे फैन ऑफ करना होता है हम स्विच ऑन करते हैं है, हम स्विच ऑफ करते हैं फैन ऑफ हो जाता है लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि हमने स्विच ऑन किया इन्फ्लेशन बढ़ गया स्विच ऑफ किया इन्फ्लेशन कम हो गया ऐसा नहीं होता बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं लेकिन इन कॉम्प्लेक्स को कैसे आर आसान करता है कितने हमारी लाइफ जो ईज है या जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है इसमें आरबीआई का क्या योगदान है ये आप समझ नहीं सकते डियर आप बिल्कुल फील करिए इस बात को हमारे वॉलेट में कितना कैश है ये हमें नहीं कंफर्म होता या इस बात पे हम कंफर्म नहीं होते कॉन्फिडेंस नहीं होता लेकिन हमें कॉन्फिडेंस अपने अकाउंट पे होता है कि हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट है तो है है ना हमें जितना अपने वॉलेट पे बिलीव नहीं होता उतना बिलीव हमें होता है अपने अकाउंट पे बैंक अकाउंट पे उसका रीजन एंड ओनली ऑन रीजन है आरबीआई 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 पर हमारा ट्रस्ट आरबीआई पे हमारा बिलीव और ये बिलीव एक दिन में नहीं बनता इसमें काफी टाइम लगता है ठीक है ना आई होप बिल्कुल आप इस चीज को समझ रहे हैं स्टेब्लिश हुआ टू थाउजेंड में वेरी गुड बहुत अच्छे चीन तिवारी जी ने आंसर किया है उर्जित पटेल ने प्रपोज किया था वेरी गुड चलो इसके साथ ही हम लोग आगे चलते हैं डियर, आ, अब देखो यहां पर बात क्या बोली गई है कि जो इन्फ्लेशन रेट था ना ये बहुत ज्यादा हो गया था आप देख पा रहे हो इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया अगर डियर इसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लें अप्रैल 2022 से पहले थोड़ा चले जाए थोड़ा बहुत ज्यादा पहले नहीं हम केवल चार महीने पांच महीने छह महीने पहले ही चले जाए तो इन्फ्लेशन रेट नाइन ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका था पिछले नौ सालों का रिकॉर्ड तोड़ के इन्फ्लेशन ट नौ परसेंट के आसपास पहुंच गया था आठ परसेंट तक पहुंच गया था ठीक है ना आठ परसेंट तक इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया था लेकिन RBI ने उसको मैनेज किया किया। का के लिए जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए फोर प्लस माइनस टू होना चाहिए यानी दो परसेंट से छह परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दो परसेंट से छह परसेंट के बीच में रहे ये इंडिया के इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा है क्लियर है तो सेवन पॉइंट एट परसेंट पहुंचा यह बताया गया यहां पर शक्तिकांत दास जी ने बोला है फिर इसके बाद में ओके इसके बाद में देखो यहां पर बोला है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज दिमाचिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा अप्रैल 2022 में सीपीआई मुद्रा स्पी सेवन पॉइंट एट परसेंट पर पहुंच गई और अब आपको इन्फ्लेशन रेट पता है जनवरी मंथ में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा जनवरी दो हजार चौबीस में वो फाइव पॉइंट वन जीरो परसेंट था और फरवरी का आ गया है फाइव पॉइंट जीरो नाइन परसेंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था मार्च का अभी नहीं आया है मार्च का जैसे ही आएगा हम लोग बिल्कुल करंट में डिस्कस करेंगे तो ये इन्फ्लेशन रेट हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए मंथली ये आ जाते हैं इन्हीं को हम रिटेल इन्फ्लेशन बोल देते हैं और हाँ अभी एक एस्पेरेंट का क्वेश्चन था आप में से कंफ्यूज हो रहे थे थोड़े वो पूछा था उन्होंने कि सर जो इन्फ्लेशन रेट होता है ये सीपीआई पे पे या पे? देखो इंडेक्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के इंडेक्स होते हैं बहुत सारे इंडेक्स होते हैं लेकिन दो इंडेक्स यहाँ पे बेसिकली होते हैं एक होता है WPI, दूसरा होता है सीपीआई ठीक है इंडिया जो कंट्री है हम किस पे फॉलो करते हैं देखो कैलकुलेशन हम दोनों पे करते हैं लेकिन फॉलो हम सीपीआई को करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तो ये सीपीआई के अकॉर्डिंग ये रेट है

वो डब्ल्यूपीआई पे फोकस करते हैं लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं सीपीआई पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे तो ये जो इन्फ्लेशन रेट आता है इसे हम भी बोल सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट भी बोलते हैं फिर इसके अंदर और भी बहुत सारे निकल कर आते हैं कि फार्मर्स के लिए कितना रहा है ना चलो मैं इसे थोड़ा सा गड़बड़ सा लिखा हुआ है सही से कर देता हूँ ठीक है 5.09% ठीक है तो ये हर दो महीने में बाइंडली पॉलिसी आती है तो इसमें क्या किया जाता है रिव्यू किया जाता है रेपो रेट्स का रिवर्स रेपो रेट का सीआरआर का एसएलआर का वो सारा रिव्यू हमें यहां पर देखने को मिलता है ठीक है तो प्रेजेंट टाइम फरवरी का आप ध्यान रखिए मार्च का जैसे ही आएगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आगे चले यहां तक कोई दिक्कत इतना बताओ क्लियर है यहां तक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आगे और पॉइंट ऐड करने वाले हैं और देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग तरीके से अभी तो ये शुरुआत है अभी बहुत बचा हुआ है अभी आपको पूरा एक फिगर बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे वहां पर डिस्कस करेंगे क्लियर करेंगे क्लियर है इतना तो यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इन्फ्लेशन रेट हम डब्ल्यूपीआई पे कैलकुलेट करेंगे या सीपीआई 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 हमेशा ध्यान रखिए हम सीपीआई के कैलकुलेशन को फोकस करते हैं उसी रेट को मानते हैं वही हमारा इन्फ्लेशन रेट कहलाता है कैलकुलेशन दोनों पे होगा डब्लू भी आता है लेकिन हम फॉलो सीपीआई को करते हैं ओके नो दिक्कत ओके वेरी गुड नो दिक्कत बहुत अच्छे शिवानीनाथ नाथ सर बोल रही है चलिए बस फटाफट समय के रफ्तार को देखते हुए हमें भी आगे बढ़ना होगा द एपेक्स बैंक हैज केप्ट द रेपो रेट अनचेंज फॉर द सेवेंथ टाइम इन आरो सीएस बैंक ने लगातार सातवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है है ना कोई बदलाव नहीं किया है ओके राहुल कुमार जी बोल रहे हैं मैं कैनरा बैंक में वर्क करता हूं बिल्कुल आपको आपके जीआईबी सीआईबी और इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी क्या बहुत सारा आपको एक ब्लेसिंग्स कि आप उन एग्जाम्स में आगे बढ़े और चीजों को सीखते हुए ये एक स्प्रिट है 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 ना स्पोर्ट्स इस कि देखिए कैनो बैंक में वर्क करते हैं फिर भी आप क्लास में हैं और चीजों को सीखना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं है ना एप्रिशिएबल है वेल डन क्योंकि आगे देखिए जब आप एंट्री कर लेते हैं ना किसी बैंक में उसके बाद भी आपकी जर्नी और तेजी के साथ आगे बढ़ती है आ, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं एंड अदर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जे आई बी सी आई बी होते हैं अदर एग्जाम्स होते हैं तो वहां उसके थ्रू आप अपने कैरियर को और भी क्या कर सकते हैं

अभी हम फिगर बनाएंगे और उसमें बिल्कुल पूरी चीजों को देखेंगे रेट अनचेंज फॉर द सेवेंथ टाइम इन आरो। अब देखो डायरेक्टली ध्यान रखो सातवीं बार लगातार सातवीं बार कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है यानी रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है जो रेपो रेट था वही है जो रिवर्स रेपो रेट था वही है जो सीआरआर था वही है जो एस था वही है कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है ठीक है ना चलो बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे अब देखो यहां पर क्या है यहां पर देखो बोला गया है पहले हम न्यूज को देख लेते हैं एक ब्लैंक पेज है वहां पर हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर इन्फॉर्म दैट इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व रीज्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ सेवन फोर फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर एज ऑफ मार्च ट्वेंटी नाइन्थ मार्च दिस ईयर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है यानी फॉरेक्स जो है वो कितने पर पहुंचा है ऑल टाइम हाई ये मार्च मार्च की बात कर रहा है दिस ईयर तक जो कहता है, वो कहता है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ये फॉरेक्स रिजर्व कहां तक पहुंचा है सिक्स फोर फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर ठीक है सिक्स फोर फाइव पॉइंट सिक्स फोर फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर ये आपको फॉरेक्स रिजर्व ध्यान रखना है डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं ये बताइए फॉरेक्स रिजर्व अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था किसने आरबीआई ने तो वो कितना रहा ठीक है क्लियर है इतना ओके ब्लर अब तो नहीं है हाँ बिल्कुल क्लियर देखो न्यूज कंप्लीट हो चुकी है हमारी लेकिन अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट क्या है सीआरआर क्या है एसएलआर क्या है थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तक अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो है ना और इंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार है ना अगर अभी तक नहीं किया है तो ठीक है चल चल जाए देखो चले आगे फॉरेक्स रिजर्व सेवन फोर फाइव छह सौ पैतालीस पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर ये पॉइंट ध्यान रखना है डायरेक्टली पूछा जा सकता है रेट्स आपके वही हैं कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है

तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आता है आरबीआई की एमपीसी कमेटी पता है आपको सिक्स मेंबर हैं थ्री प्लस थ्री कितना के लिए देखिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक आपका जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एक आपके होते हैं इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फॉरेक्स कैसे इंक्रीज होता है विकास जी पूछ रहे हैं देखिए फॉरेक्स इंक्रीज होगा जब वो कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा इंपोर्ट कम करेगा जैसे हो रहा है ना मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत है ना इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं क्रूड ऑयल हमें कम से कम खरीदना पड़े क्यों क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं हमारा डॉलर रिजर्व कम हो जाता है है ना अब देखो आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कहते हुए जाते हैं कि भाई फॉरेन कंट्री बिल्कुल जाएं विदेशों में जाएं बिल्कुल जाएं लेकिन उससे पहले अपना देश तो घूमें अगर हमारे यहाँ से जो भी लोग फॉरनर जाते हैं फॉरेन जाते हैं तो वो क्या करते हैं डॉलर रिजर्व कम करते हैं ना भाई रुपए देते हैं कहते हैं डॉलर दो हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने डॉलर दे दो हमको तो डॉलर रिजर्व उससे भी कम होता है डॉलर रिजर्व अगर हमें बढ़ाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा हमें विदेशों पर जो निर्भरताएं हैं उनको कम करना होगा हमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी हमें रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ना होगा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा है ना तो इस तरह से हम फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करेंगे उसी के हिसाब से हमारे रुपए की वैल्यू क्या होगी मेंटेन होगी लेकिन देखो हम डेवलपिंग नेशन है तो कई बार हम इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए लोन्स भी लेने होते हैं एफडीआई भी आता है एफआईआई भी आता है जिससे हम ग्रो करें अगर हम उसको रोक के रखेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ भी नहीं होगा तो इस वजह से हम बिल्कुल इसको इस पर फोकस नहीं करते कि नहीं नहीं डॉलर की वैल्यू मेंटेन रहे नहीं डॉलर की वैल्यू अगर मान लो एट्टी आज पहुंच की भी गई है प्रॉक्स लेकिन हम उसके साथ ग्रो भी तो कर रहे हैं डेवलप भी तो कर रहे हैं ये वही एग्जाम्पल हुआ जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बस सुन लो पापा ने बोला बेटा देखो इस घर में एक घर में तुम लोग रह रहे हो और एक और पापा ने जगह ले रखी है प्रॉपर्टी ले रखी है परचेज कर रखी है पापा ने बोला बेटा देखो दस साल बाद हम इसको बनवाएंगे है ना कंस्ट्रक्शन करा देंगे रेंट पे उठा देंगे पैसा आने लगेगा तुमने कहा पापा अगर अभी बनवा दे तो तो पापा ने बोला बेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे ना दस साल में सेविंग करेंगे और फिर अपनी सेविंग लगा के कंस्ट्रक्शन करेंगे है ना तुमने बोला पापा एक आइडिया है मैं बोलूं क्या तो पापा ने बोला ठीक है बता दो क्या आइडिया है तुमने कहा पापा अगर हम लोन लेके अभी बनवा दें है ना छह महीने लगेंगे साल भर लगेगा है ना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और फाइनली रेंट अभी से आने लगेगा और वो जो रेंट आएगा उसी से हम उसे क्या कर देंगे पे कर देंगे तो पापा ने कहा बात तो तेरी सही है लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते हम रिस्क नहीं लेना चाहते अब हम जो डेवलपिंग नेशन होते हैं ना जो डेवलपिंग फेज में होते हैं उनको रिस्क लेना पड़ता है लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तभी आप ग्रो करेंगे ठीक है तो इसी वजह से बोला जाता है कि भाई लोन तो लेना है लेकिन लोन कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लेना है अब अगर लोन ले लिया तो देखो दस साल बाद कंस्ट्रक्शन होता प्राइजेस और बढ़ जाते आज ही लोन लिया कंस्ट्रक्शन करा दिया तो ग्रोथ क्या हो गई तेज हो गई डेवलपमेंट क्या हो गया फास्ट हो गया इसी वजह से बोलते हैं जो भी डेवलपिंग नेशन है या ओवरऑल कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो घाटे का बजट नहीं लाता हर कंट्री आपका डेफिसिट बजट लेकर आता है घाटे का बजट लेकर आता है उसका यही रीजन है जो मैंने अभी बताया क्लियर है चलो अब आ जाओ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट देखो भाई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है ना डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है ना डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ आपके थ्री इंस्ट्रूमेंट निकल कर आते हैं एक आपका सीआरआर होता है है ना और एक आपका एस एल आर होता है एक आपका एस एल आर होता है और एक आपका निकलकर आती है यहां पे फैसिलिटी निकलकर आती है जिसे हम रीफाइनेंस फैसिलिटी बोलते हैं जिसे हम रीफाइनेंस फैसिलिटी बोलते हैं ठीक है ये एक फैसिलिटी होती है ठीक है अब ये जो दो है ना आपके ये रिजर्व कहलाते हैं आपको पता ही है ये रिजर्व रेशियो होते हैं दो क्या होते हैं ये रिजर्व रेशियो अरे भाई एक सेकेंड फटाफट चलते हैं इस पर फोकस करिएगा भाई है ना फोकस करिएगा क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं रिजर्व रेशियो होते हैं और इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है सीआरआर आपका 4.50 पर मेंटेन है और एसएलआर 18 परसेंट पर मेंटेन है इनके फुल फॉर्म्स आपको पता है और अगर नहीं पता तो मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते चलिएगा मैं बहुत ज्यादा अगर उसको भी लिखूंगा तो बहुत जो कंजेस्टेड हो जाएगा ना CRR कैश रिजर्व रेशियो एस एल आर एस्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो चलो लिख देता हूं भाई जरूरी है कैश रिजर्व रेशियो एस एल आर एस्टेचुरी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एस एल आर स्टेचरी लिक्विडी रेशियो ये थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें से दो रिजर्व रेशियो हैं अब रिजर्व रेशियो क्या है बहुत ही ध्यान से समझना सीआरआर जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश फॉर्म में इसे रिजर्व करके रखते हैं क्लियर सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश फॉर्म में इसे रिजर्व करके रखते हैं किसको कैश रिजर्व रेशियो को किस फॉर्म में कैश फॉर्म में किसके पास आरबीआई के पास 4.50 परसेंट किसका एनडीटीएल का किसका NDTL का यानी अब देखो SLR क्या है SLR को किसके पास रखना होता है इट अपने पास रखना होता है कौन रखता है सारे बैंक ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी बैंक और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको रखते हैं इसको हम कैश या लिक्विड एसेट फॉर्म में भी रख सकते हैं कैश या लिक्विड एसेट फॉर्म में भी रख सकते हैं लेकिन इसको हम ओनली ऑन कैश फॉर्म में रखेंगे अप्लाई किस पे होगा ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे क्लियर है इतना पॉइंट रीफाइनेंस फैसिलिटी एक सुविधा है इस तरह की सुविधा है जैसे होता है ना आपने किसी को पैसा दिया वो टाइम से नहीं दे रहा है तो क्या करते हो भैया थोड़ा ही दे दो आधा ही दे दो रीफाइनेंस फैसिलिटी का मतलब है बैंकों के द्वारा दिए गए जो लोन होते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो होता है उसको कम किया जाता है टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है पुराने लोन को क्लोज करके बैंक एक नया लोन ओपन करता है जिससे हम उस पर्सन से जिसको बोरोवर जो है उससे हम लोन को क्या कर सकें रिकवर कर सके ठीक है जैसे दस हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स आनी थी है ना पिछले छह महीने हो गए सात महीने हो गए इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही है और ये लोन वीकर सेक्शन में दिया गया है है ना यानी कोई कोलेट्रल और ऐसा कुछ नहीं है होम लोन हाउस लोन नहीं है अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक वहां पर पुराने लोन को खत्म करके एक नया लोन इशू करती है और भाई दस हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट वो पर्सन पे नहीं कर पा रहा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट को कम कर दिया जाता है टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है यही सुविधा रिफाइनेंस फैसिलिटी कहलाती है क्लियर चलो ये तुम्हारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ये दो रिजर्व रेशियो आ जाते हैं और एक रिफाइनेंस फैसिलिटी अब आ जाओ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन In डायरेक्ट में भी बहुत ध्यान से हमें समझना है यहां पर ओवरऑल फैसिलिटीज भी आती हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी आते हैं सबसे पहले यहां पर आ गया रेपो रेट ठीक है देन फिर इसके बाद आपका आता है रिवर्स रेपो रेट ठीक है फिर आपका आता है एक नया टर्म एड हुआ जो वो है एस डी एफ ठीक है फिर एस डी एफ के बाद में यहां पर निकल कर आता है बैंक रेट ठीक है फिर बैंक रेट के बाद में निकल कर आता है एमएसएफ ठीक है। फिर एमएसएफ के बाद में कुछ और अदर फैसिलिटीज आती हैं। उन उन फैसिलिटीज फैसिलिटीज को भी हम देख लेंगे। उन में आता है, है। कॉम्बिनेशन रेपो, रेपो होता है क्लियर इतना अब चलो ध्यान से इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझ लो ध्यान से इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझ लो ठीक है इतना ओके okay, देखो रेपो रेट जो है प्रेजेंट टाइम यह परसेंटेज आपको पता है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट है, है. जो बैंक है, है, रेट जो आपका है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है एमएसएफ आपका सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है ओ एम ओ ये सारी फैसिलिटीज है इनमें परसेंटेज नहीं होंगे तो ये जो फाइव रेट्स आप देख रहे हो ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं या पॉलिसी रेट्स हैं इनको हम इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट्स बोलते हैं ओके रेपो रेट रीपरचेज ऑफर रेट रीपरचेज ऑफर रेट ठीक है हाँ रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है रीपरचेज ऑफर रेट ठीक है बिल्कुल आपका क्वेश्चन यही है ना मैंने देख लिया एसेट जो मेरा एसेट जो मेरा है मेरे पास है इसको हम बाद में देखते हैं अभी थोड़ा इधर फोकस करते हैं हम बताते हैं फिर ठीक है चलो इधर आ जाओ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में देखो रेपो रेट क्या होता है ध्यान से सुनो जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेता है तो लोन जिस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है उसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं रेपो रेट कहते हैं क्लियर है यानी जब कोई मर्शियल बैंक आरबीआई से नब्बे दिन से कम के लिए लोन लेता है एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन भाई ऐसा होता है ना अभी आज का न्यूज आएगा परेशान मत हो ठीक है एस क्या होता है बताता हूँ अभी जब कोई बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेता है जब जरूरत पड़ गई तो हमने रेपो रेट से ले लिया और जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया तो हमने रिवर्स रेपो रेट से क्या कर दिया बैंक को दे दिया आरबीआई को दे दिया है ना जैसे होता है ना मम्मा पापा से हमें जरूरत पड़ता है तो हम पैसा ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा रेपो रेट है ना विद देना पड़ेगा और जब हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो हम दे देंगे किसको आरबीआई को तो वो क्या कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट लेकिन रिवर्स रेपो रेट की जगह टेम्परेरी रूप से अभी काम कौन कर रहा है एस डी एफ कर रहा है क्यों कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ ऐसी चीजें बनी जिसकी वजह से टेम्परेरी रूप से रिवर्स रेपो रेट की जगह काम किसको करना पड़ रहा है एस डी एफ को ठीक है काम किसको करना पड़ रहा है एस डी एफ और एस डी एफ परसेंटेज है सिक्स पॉइंट टू फाइव ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं ठीक है बैंक रेट देखो बैंक रेट क्या होता है बैंक रेट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए या बोला जाए बैंक रेट क्या है तो बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर हम जिस रेट पर हम RBI से 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं यानी जब कोई कॉमर्शियल बैंक RBI से 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेता है तो लोन जिस रेट पर मिलता है उस रेट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं लेकिन ध्यान से समझना कोई बैंक आरबीआई से 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेने नहीं जाता लोन रेपो रेट पे ही लेता है लेकिन जब रेपो रेट पे लिया गया लोन नब्बे दिन तक पे नहीं कर पाता तो वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाता है बैंक रेट में तो वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाता है बैंक रेट में ठीक है बैंक रेट का यूज आरबीआई बहुत सारी जगह करता है जैसे कोई डिस्काउंट देना है वहां पे कर देगा कोई डिस्काउंट uh, देना है वहां पे बैंक रेट को यूज कर देगा कोई पेनल्टी लगानी है वहां यूज कर देगा बैंक रेट को ठीक है एमएसएफ एक दिन के लिए इमरजेंसी केस में एक दिन के लिए जब आरबीआई से इमरजेंसी केस में कोई लोन लेता है तो वो लोन जिस फैसिलिटी से मिलता है उसी फैसिलिटी को हम एमएसएफ कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्लियर है देखो रेपो रेट बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एस डी एफ का फुल फॉर्म मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्लियर है इतना और ये तीनों फैसिलिटी है ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसमें आरबीआई मार्केट्स में फंड को क्या करता है मार्केट्स में किसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेस करने का काम करता है ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती है यहां पे शॉर्ट टर्म आती है एल रेपो रिवर्स रेपो दोनों का कॉम्बिनेशन है क्लियर है इतना सभी को क्लियर है चलो हाँ देखो जब भी रेपो रेट पर लोन लिया जाता है तो यहां पर एक इस तरह का फिगर बन के आएगा सपोज करो इस तरफ है बैंक ठीक है और इस तरफ है कौन आरबीआई तो बैंक से क्या होगा बैंक से क्या जाएगी सिक्योरिटी जाएगी तब आरबीआई से लिक्विडिटी आएगी लिक्विडिटी मतलब कैश अब जब सिक्योरिटी के बिहाफ पे यहाँ क्या गया बिस्किट गए बिस्किट यहाँ गुड्डे नहीं गोल्ड के रखे हैं किसने बैंक ने जिसने रेपो रेट पर लोन लिया है यानी ये क्या हो गया? रेपोरेट हो गया गया रेपो रेट है ना बैंक ने सिक्योरिटी के बिहाफ पे आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी रखी उसके बिहाफ पे लिक्विडिटी आई और ये नब्बे दिन से कम यानी नब्बे दिन तक ये लोन विद इंटरेस्ट पे करना होगा किसको बैंक को और जब यहां से कुछ लिमिट में मिलता है जी हाँ लिमिट होती है मैक्सिमम कितना मिल सकता है पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ NDTL यानी NDTL का पॉइंट फाइव परसेंट ही मिलेगा मैक्सिमम यहां से लोन लेने के बाद मैक्सिमम और जरूरत है नहीं पूरी हुई तो हम MSF से लेने आते हैं ठीक है तो हम MSF से लेने आते हैं MSF दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ये इमरजेंसी केस में लेता है जब रेपो रेट से लोन नहीं मिल पाता तब MSF से लेने आते हैं अब आप बोलेंगे सर बैंक रेट और MSF का परसेंटेज तो सेम है भाई बैंक रेट में नब्बे दिन से ज्यादा के लिए इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और बैंक रेट नहीं एमएसएफ में एक दिन के लिए चौबीस घंटे के लिए जो लोन लिया जाता है जितने दिन के लिए लिया है उसी के बाद हम उसमें पे कर देते हैं ठीक है हाँ जो एमएसएफ के थ्रू लोन लिया आता है उसे हम कॉल मनी बोलते हैं कॉल मनी मतलब जो भी लोन एक दिन के लिए लिया जाता है उसे हम कॉल मनी बोल देते हैं ठीक है चलो आई होप क्लियर हुई होंगी बहुत सारी चीजें और भी आगे आएंगी चीजें तो हम क्लियर करते रहेंगे आपको इसी तरह का ये जो है राइट डाउन मिल जाएगा है ना इसको फिर हम आगे भी कनेक्ट कर लेंगे अगर यहाँ से कोई डाउट्स आपके रहेंगे तो आप पूछिएगा है ना कमेंट करिएगा फाइनली हम इसको ये जो स्लाइड है ये फिर से हम कनेक्ट करके आपके साथ डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्लियर है इतना लिक्विड में मनी हाँ जी हाँ बिल्कुल लिक्विडिटी मतलब होता है मनी इन हैंड जो होती है वो मनी कहलाती है लिक्विडिटी ठीक है चलो आई होप बिल्कुल हम इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई आपकी इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं इंडिया इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर फर्स्ट अप्रैल टू अप्रैल एज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भारत सरकार ने एक अप्रैल से सात अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह घोषित किया है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया गया फर्स्ट अप्रैल टू सेवेंथ अप्रैल ठीक है क्लियर इतना पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है चलो 1960 में जवाहरलाल नेहरू एंड राजकुमारी अमृत कौर ने स्टार्ट किया था इसको नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस 1960 में इसको शुरू किया गया था एमएसएस और एल ए एफ ओके ठीक है एमएसएस और एल एफ हम आगे क्लास में मिलेंगे जब मंडे में तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे ठीक है इस स्लाइड को हम एड कर लेंगे ठीक है ओके okay. ठीक है चलो उसी स्लाइड पे फिर और हम डिस्कशन कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे आपके ले लेंगे डोंट वरी नेशनल सोसाइटी फॉर द द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ठीक है वर्ष 1960 में शुरू किया गया इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू टेक अ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प एलिमिनेट ब्लाइंडनेस भाई भारत अंधापन खत्म करने के लिए विश्व तो बैंक से ऋण लेने वाला पहला देश है ठीक है तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए एज अ इन्फॉर्मेशन चलिए नेक्स्ट आज द थीम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक में थीम क्या रही है इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड की जाती है अभी तक इसकी थीम तो डिसाइडेड नहीं थी अगर आपको पता चलती है तो बिल्कुल बताइएगा है ना और जैसे ही मुझे भी मिलेगी इसकी थीम तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा द थीम फॉर दिस ईयर हैज नॉट बीन एट अभी तक नहीं की गई है इसकी थीम ठीक है वी आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से सेवेंथ ऑफ अप्रैल तक चलो नेक्स्ट चलते हैं

जोमार्ट टॉकियव से भी मुलाकात की है देखो कजाकिस्तान के आपको जो राष्ट्रपति जी हैं इनका नाम ध्यान रखना है और ये एस चेयरमैन भी है इन प्रेजेंट है ना तो इनका नाम इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एससी के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टॉकोए ठीक है क्लियर है इतना एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं एजेंडा मीटिंग का एजेंडा क्या था भाई चलिए देखते हैं मीटिंग का एजेंडा क्या रहा प्रेसिडेंट वेव एडवोकेट वन सेकेंड एडवोकेट एडॉप्टिंग अपरेशन प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म बाई काउंटर टेररिज्म सेपरेटिज्म आपको ध्यान रखना है देखो काउंटर की बात हो रही है एंटी ड्रग स्ट्रेटजी की बात हो रही है दो हजार चौबीस से दो हजार उन्नीस तक है ना और एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है दो हजार पच्चीस से दो हजार सत्ताईस तक बैठक का एजेंडा क्या रहा है राष्ट्रपति टोक्यो ने 2025 से 27 के लिए आतंकवाद अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम और 2024 से 29 के लिए एससीओ एंटी ड्रग रणनीति अपनाने की वकालत की है तो आपको ये कुछ बस वर्ड याद रखने हैं क्या काउंटर पे फोकस किया गया है है ना सेपरेटिज्म पे और एंटी ड्रग स्ट्रेटजी पर बात की गई है ट देखो भाई अब एस को लेकर हम बात कर ले अगर एस की बात करें ये कब स्टैब्लिश हुआ तो फिफ्टीन जून राइंट वन ठीक है हो जाएगा देखो धीरे धीरे प्रोनाउंस करेंगे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फिर धीरे धीरे याद भी होगा ठीक है डोंट वरी है ना एस्टैब्लिशमेंट फिफ्टीन जून राइंट वन यानी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पंद्रह जून दो को रिप्लेस किया संघाई फाइव ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन रहे भाई अगर हम बात करें एससीओ की चाइना कजाकिस्तान रशिया तजाकिस्तान ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं ठीक है ठीके? ये स्टैटिक पार्ट आ रहा है एससीओ से रिलेटेड ठीक है फाउंडिंग मेंबर्स चाइना कजाकिस्तान रशिया तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे नाइन परमानेंट मेंबर है इसके तो प्रेजेंट टाइम कौन कौन से मेंबर है चलो देख लेते हैं भाई चाइना तो ये तो पहले ही था फाउंडिंग मेंबर्स में ही था रशिया भी फाउंडिंग में था तजाकिस्तान भी फाउंडिंग में था कजाकिस्तान भी फाउंडिंग में था उजबेकिस्तान भी फाउंडिंग में था तो ये तो सारे फाउंडिंग में ही थे फिर इसके बाद में आ, किर्गिस्तान भी फाउंडिंग में था एक दो तीन चार पांच हाँ किर्गिस्तान भी था जी हां जी ओके नंबरिंग यहां पे भाई सिक्स होगा ठीक है ठीक है तो ये सिक्स फाउंडिंग मेंबर्स थे चाइना कजाकिस्तान रशिया तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान सारे तान है ना कितने तान है भाई चार तान है है ना चार तान है चाइना और रशिया कजाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान ठीक है लेकिन अफगानिस्तान नहीं है ध्यान रखना है ना चाइना रशिया तजाकिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान किर्गिस्तान और फिर इंडिया ने ज्वाइन कब किया 2017 में पता होना चाहिए इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया रूनाइन सत्रह में टू नाइन में पाकिस्तान में भी ने भी ज्वाइन किया एंड ईरान ने ज्वाइन किया रो ट्वेंटी थ्री में ईरान ने ज्वाइन किया रोनाइन ट्वेंटी थ्री में ठीक है ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्लियर है नाइन परमानेंट मेंबर्स ये नाइन परमानेंट मेंबर्स हैं सेवन नंबर पे इंडिया ने ज्वाइन किया फिर पाकिस्तान ने किया और फिर ईरान ने किया क्लियर है इतना चलो फटाफट थ्री ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं इसके अफगानिस्तान बेलारूस और मंगोलिया ये ऑब्जर्व देखो अफगानिस्तान ऑब्जर्वर मेंबर है है ना अफगानिस्तान बेलारूस और मंगोलिया हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है हेडक्वार्टर कहाँ है चाइना के बीजिंग में है क्लियर है इतना करंट चेयरमैन कौन है कदा के वन सेकेंड करंट चेयरमैन कौन है अरे भाई रुक जाओ ये ऑपरेशन नहीं रुक रहे देख रहे हो देख रहे हो बदमाशी इनकी करंट चेयरमैन है कौन है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब जो है वो करंट प्रेजेंट चेयरमैन है ठीक है क्लियर है यहां तक क्लियर चलो भाई फटाफट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन संकल्प आ रहा है भाई समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है ऑपरेशन संकल्प आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा समुद्री क्षेत्र के बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प है ना ऑपरेशन संकल्प इस तरह से आपको ध्यान रखना है चलो देखते हैं क्या पॉइंट बनेंगे द इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ कहां पर्शियन गल्फ में गल्फ ऑफ ओमान में विद द एम ऑफ इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिप्स भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प क्या किया है शुरू किया है कहां पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन ने नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन संकल्प पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान याद रख पाओगे आसान है सिंपल है दिक्कत तो नहीं कोई चलो वेरी गुड हाँ बताएं क्या क्वेरी है श्रेया राज जी बोल रहे हैं क्वेरी है ओके क्वेरी को अपने टाइप कर दें राइट कर दें चलो आ जाते हैं नेक्स्ट भाई ओ हो क्या आ गया स्वीट डिश आ गई है भाई देख पा रहे हो ना पहचान रहे हो ना सभी क्या है अरे भाई इमरती है उत्तर प्रदेश का एक शहर जौनपुर एक अनूठी इमरती है ना, ना विनम्रता के इमर्ती के के कारण शहर रूप में प्रसिद्ध है जौनपुर जंक्शन आप देख पा रहे हो जौनपुर में जीआई टैग मिला है इमरती के शहर के रूप में प्रसिद्ध है कौन यूपी का जौनपुर ठीक है यूपी का जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर जौनपुर इमरती को जीआई टैग दिया गया चलो भाई देख लेते हैं द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीन वर्किंग टू अपने जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर जौनपुर इमरती हाईलाइटेड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस जिला प्रशासन जौनपुर की इमरती के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए इसके लिए भौगोलिक संकेतक यानी जी आई टैग क्या किया है प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है ठीक है ठीक है चल इज ये हमारा आज का न्यूज का पार्ट था आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा है ना फर्स्ट ऑफ न्यूज जो इतना थोड़ा डिटेल में गए हम डिस्कशन में मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट था डिस्कशन आपको वो अच्छा लगा जरूरी था या नहीं था भाई एक बार जरूर बताना ठीक है चलिए इसी के साथ ही हाँ हम लोग चलते हैं आज के रैपिड फायर राउंड की तरफ देखते हैं रैपिड फायर राउंड में क्या होने वाला है रैपिड फायर राउंड में आज जो आने वाला है वो जैसे कल हमने आपका जो पार्ट किया था उसी के कुछ और बचे हुए पार्ट थे वो हम करने वाले हैं यानी कल हमने आपका रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा था आज हम कैपिटल रिशिप्स पूछ रहे हैं बताइए कैपिटल रिसिप्ट में क्या पार्ट आएंगे कैपिटल रिसिप्ट यानी कौन सी ऐसी किस तरह की इनकम है गवर्नमेंट की कौन से ऐसे प्राप्तियां गवर्नमेंट की जो कैपिटल रिसिप्ट में कंसिडर की जाती है फटाफट से बताइए है ना फटाफट से आप सभी बताएंगे ठीक है फटाफट से बताएं कैपिटल रिसिप्ट में क्या पार्ट आने वाले देखो चलो मैं ही बताता हूं ठीक है कैपिटल रिसिप्ट में जो हमने कल आपको बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट में कि भाई एसेट में कोई कमी नहीं होती कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं यहां पर एसेट में कमी होती है या लाइबलिटी में वृद्धि होती है जहां पे भी कैपिटल आएगा वहां पे क्या होगा वहां पे राइट का साइन होगा रेवेन्यू जहां होता है वहां क्रॉस होता है यानी या तो एसेट में कमी होगी या लाइवलिटी में वृद्धि होगी सीधा सा पॉइंट है अब एसेट में कमी कैसे है ना सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया प्राइवेटाइजेशन किया प्राइवेटाइजेशन किया तो प्राइवेटाइजेशन से अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी ना एयर इंडिया को सेल किया तो एयर इंडिया को जब सेल किया तो क्या हुआ पैसा आया ना रेलवे का कुछ परसेंट शेयर सेल आउट कर दिया यानी डिस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया डिस इन्वेस्टमेंट और क्या होगा बोरोइंग्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करती है कहां से फॉरेन कंट्री से वर्ल्ड बैंक से एडीबी से ये सारे क्या होते, है? होते हैं कैपिटल रिसिप्ट जैसे आपके पास गोल्ड था मार्केट गए सेल आउट कर दिया पैसा आ गया किस तरह की इनकम है कैपिटल रिसिप्ट है ना प्रॉपर्टी थी सेल आउट कर दी पैसा आ गया क्या हो गया कैपिटल रिसिप्ट ठीक है चलो फिर आ जाते हैं रेवेन्यू कैपिटल एक, एक्सपेंडिचर आप बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे फटाफट से बताएंगे ओके okay, श्रेया राज जी पूछ रही हैं ओके okay, देखिए क्विज के जो आंसर्स होते हैं अच्छा लास्ट जो क्विज होता है ठीक है देखो इस बात को ध्यान से समझो अच्छा न्यू करके आप देख लेते हो हाँ तो उस तरह से आप देख सकते हो न्यूएस्ट जो रैंक रे, होगा जैसे फर्स्ट विनर तो आप फर्स्ट विनर में ही होगे है ना जैसे टॉप थ्री सेलेक्ट किए गए तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखोगे जिसका सबसे पहले मैसेज दो तरह के, के कमेंट आते हैं ना टॉप और न्यूएस्ट न्यूएस्ट आप करोगे तो वो अपने आप ही बता देगा कि सबसे न्यूएस्ट कौन है और सबसे पहले किसका मैसेज आया और जो सही होगा वो टॉप विनर में होगा ठीक है क्लियर है इतना क्लियर है आई होप चलो फटाफट आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा भाई यहां पर देखो कैपिटल रिसिप्ट है ना कैपिटल रिसिप्ट में एसेट में कमी रिसिप्ट सारे है ना अब देखो अब आ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जहां से एसेट में प्लस लाइबिलिटी में माइनस ये दोनों कंडीशन होंगी यानी एसेट में क्रिएशन होगा या फिर लाइबिलिटी में कमी होगी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा भाई मेट्रो प्रोजेक्ट क्या हो गया एसेट क्रिएट हो गया कि नहीं आपने प्रॉपर्टी परचेस कर ली है ना क्या हो गया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के जो होते हैं वो क्या होते हैं हाईवे बनवा दिया रोड्स बनवा दिया ब्रिज बनवा दिया फ्लाईओवर बनवा दिया तो ये क्या होंगे कैपिटल होंगे फिर इसके बाद में रीपेमेंट रीपेमेंट ऑफ 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 बोरोइंग्स बोरोइंग्स को पे कर दिया गवर्नमेंट इंडिया ने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया तो क्या हो गया लाइबिलिटी कम हो गई है ना या फिर हमने क्या कर दिया लोन दे दिया लोन इशू कर दिया इशू लोन तो वहां से भी हमारा क्या हो गया वो तो इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे आ गया है ना तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं आई होप इतने बिल्कुल अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे क्लियर है ये देखो साइन मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने बताए हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस राइट होगा एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि देखो ये रिसीप्स है तो माइनस प्लस है और यहां पर ये एक्सपेंडिचर है तो साइन रिवर्स हो गए ठीक है चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेटिक जी के पार्ट पे चलते हैं देखते हैं स्टेटिक जी के डिपार्टमेंट ईयर कल हमने मेघालय आपके साथ डिस्कस कर लिया था बलपकर नेशनल पार्क नाइनटीन फाइव नोकर नेशनल पार्क था 1986 देन हम नया स्टेट शुरू करें मिजोरम आ रहा है मुरलिन नेशनल पार्क आ रहा है 1991 नाइनटी मुरलिन नेशनल पार्क नाइनटीन नाइन कोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आ रहा है नाइनटीन तो ये छोटा छोटा पार्ट आप एड करते चलिएगा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है फाइनली और फाइनली ये मिजोरम आज नया नेशनल पार्क हमने नया स्टेट डिस्कस किया है आपके साथ मुलिन नेशनल पार्क नाइनटीन नाइनटी वन फॉर्म कोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क नाइनटीन नाइनटी टू क्लियर इतना चलो फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू की तरफ चलिए एमसीक्यू अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं फटाफट से आज के एमसीक्यू फटाफट से करते चलो भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको पता है पहले ही है ना युवा आबादी के बीच स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशी सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है फटाफट से आंसर करिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था अगर ऐसा है श्रेराज जी तो परेशान मत होइए मैं इस चीज को ध्यान दूंगा और फिर आगे से ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है ठीक है लेकिन टॉप न्यूएस मतलब आप फर्स्ट विनर में ही रहेंगे अगर टॉप थ्री में आपका नाम है तो आप फर्स्ट में ही रहते हैं हाँ ऊपर नीचे नाम हो सकता है कि आपका दूसरे नंबर पे आ गया तीसरे पे आ गया ये हो सकता है मे बी लेकिन अगर टॉप थ्री में हैं आप यानी सबसे पहले कमेंट आए सेकंड्स का अंतर होता है तो फिर वो टॉप थ्री में ही आप फर्स्ट विनर ही रहेंगे ठीक है ना जैसे मैंने टॉप सेकंड को फर्स्ट विनर में रखा है तो, तो दो रहेंगे अब हो सकता है कि किसी का पहले आया हो और वो दूसरे नंबर पे चला गया हो लेकिन है तो वो फर्स्ट विनर ही ना ये बात समझो जैसे अब फर्स्ट विनर में तीन लोग आ गए तो तीनों ही फर्स्ट हैं अब उसमें ये थोड़ी है कि उसका नाम टॉप पे है और हमारा नाम नीचे थे है ना अगर इस केस में आप बोल रहे हो तो ये हो सकता है ये हो सकता है लेकिन अगर टॉप थ्री मैंने मैसेज लिए हैं तो टॉप थ्री तीनों ने सही किया है तीनों इक्वल है इक्वल है ना उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं उसका नाम ऊपर है या नीचे है इतना चलता है है ना जहां तक मुझे लग रहा है क्लियर चलो फटाफट आंसर आने शुरू हो चुके हैं भाई चलो फटाफट -फड़ से स्वतंत्र युवा उद्यमी है ना स्वयं नाम क्या हो जाएगा स्वयं यहां पे देखो स्वयं यू डी आगे एड हो गया अगर ये ना होता तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा राइट होता स्वयं हो जाएगा ठीक है स्वयं हो जाएगा स्वतंत्र युवा उद्यमी ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है भैया फटाफट बता दो आंसर क्या होने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ओके हाँ तो उसकी टेंशन मत करो डियर है ना उसकी टेंशन मत करो टॉप थ्री हो तो आप इक्वल हो है ना अगर तीन लोगों के नाम फर्स्ट विनर में आए हैं तो वो देर आर इक्वल वो तीनों ही इक्वल हैं भाई और आप तो आप सभी हमारे लिए इक्वल हो लेकिन बस एक रिकॉग्निशन मिलता है अच्छा लगता है फील होता है ठीक है तो इस वजह से रहता है लेकिन अगर टॉप फर्स्ट में तीन नाम है तो वो तीनों ही हमारे लिए फर्स्ट विनर है ठीक है चलो चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर डर आई आई रुड़की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की आई रुड़की ठीक है रुर्की, रुर्की, चलेंगे हम लोग लो, नेक्स्ट इज राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन और आरंभ की गई विकास परियोजनाओं की कुल लागत क्या है फटाफट फड़ बताएंगे हम लोग टाइम स्टार्ट है भाई चलिए बहुत अच्छे हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर कितना था सेवनटीन थाउजेंड करोड़ रुपए ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी मांड योजना को रद्द करने का क्या कारण बताया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई फटाफट से बता दो पता होना चाहिए वॉलेट्स सिटीजन राइट टू वोट वॉलेट्स सिटीजन राइट टू प्राइवेसी वॉलेट सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन वॉलेट सिटीजन राइट टू फ्री स्पीच फटाफट बताइए आंसर करिए ओके ओके आंसर डिस्क्लोज़ भी हो गया मुझे लग रहा है ओके वेरी गुड आंसर करेंगे चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है द सिटीजन राइट टू तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नेक्स इज विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे विश्व मानव विज्ञान दिवस एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेटेड आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड थर्सडे ऑफ फ्राइडे थर्ड थर्सडे ऑफ फेब्ररी सॉरी फरवरी का थर्ड थर्ड थर्सडे, थर्सडे ऑफ़ भाई इस तरह के जो डे होते हैं ना, ये थोड़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत संगठन ने की वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे विश्व मानव दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की थी फटाफट आंसर करेंगे चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है भाई फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है फटाफट फिफ्टीन फेब फिफ्टीनिन्थ अप्रैल फिफ्टीन जनवरी अप्रैल फटाफट आंसर करेंगे राइट right आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय बाल्यवस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है वेन इज इंटरनेशनल चाइल्ड हुड कैंसर डे ऑब्जर्व अंतरराष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है है आपका चलेंगे आंसर आंसर की तरफ तो राइट निकल कर आ रहा है, 15 ये भी चलिए अंतरराष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस की स्थापना किसने की फटाफट बताएं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वर्ल्ड डब्लू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कैंसर सोसाइटी चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ राइट आंसर है चाइल्ड कैंसर इंटरनेशनल सी सी आई Childhood Cancer International. कैंसर इंटरनेशनल नेक्स्ट मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जन्म के समय प्रदान की जाने वाली बढ़ी हुई अनुदान राशि क्या है? है फटाफट आंसर करेंगे. आपका. चलेंगे आंसर की तरफ. एक सौ पच्चीस फीट से अधिक ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहा किया जाएगा टाइम स्टार्ट है आंसर करेंगे आप सभी गुवाहाटी जोरहाट सीवा सागर या फिर डिब्रूगढ़ चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है जोरहाट ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जोरहाट नेक्स्ट इज लचित बर्फुकन ने किस युद्ध में प्रसिद्ध रूप से मुगल सेना को विफल कर दिया था भाई कौन सा युद्ध था बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ सराई घाट बैसल ऑफ सराय घाट बैसल ऑफ बैटल ऑफ बक्सर फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी तो राइट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ सरायघाट ऑप्शन सी आपका राइट होगा तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट हम चलते हैं फटाफट -फड़ से पीडीएफ की तरफ पीडीएफ के लिए आपको डियर एट रेट ई एम थिंक टैंक टेलीग्राम पे अगर नहीं ऐड है तो ऐड हो जाएंगे यहां पे मैं पीडीएफ दे देता हूं देन यहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हो और यहां से नहीं अगर तो फिर आप एट रेट ई एम थिंक टैंक ठीक है अगर यहां से नहीं ले सकते या यहां पे नहीं मिलती यहां पे मैं शेयर कर देता हूं आपको पीडीएफ उसके लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी यहां पे दिया है मोर करेंगे आप एंड अगेन मोर करेंगे यहाँ से भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी रहती है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा टेक्निकल टीम हमारी ऐड करेगी लिंक आपको मिल जाएगा लिंक पे टच करेंगे नए पेज पे पहुंचेंगे नए पेज पे पहुंचने पर डेट मेंशन होगी जो डेट है जैसे आज की डेट है तो आज की डेट मेंशन होगी टाइटल यहां पर लिखा हुआ दिखेगा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे नीचे इस पर टैप करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड होती हुई दिखेगी ठीक है चलो चलते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कल के क्विज क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था तो राइट आंसर था वेटिकन सिटी है ना वेटिकन सिटी राइट आंसर था विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वैटिकन सिटी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा चलिए चलते हैं आज के आज के के विनर अनाउंसमेंट की तरफ देखते हैं हमारे फर्स्ट विनर कौन होने वाले हैं विनर तो आप सभी हो लेकिन रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट विनर की तरफ आज के फर्स्ट विनर है अमित श्रेयराज मोहम्मद तालिब खान जी ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है कॉन्ग्रेडन well बहुत अच्छे वेल्डन well आप सभी हमारे आज के फर्स्ट विनर है अमित श्रेयराज मोहम्मद तालिब खान कॉन्ग्रेड

सोहम गांगुली बिल्कुल न्यू ईयर है सोहम गांगुली जी का नाम आया है और विकास का नाम आया है कॉन्ग्रेड्स बेल्डर well बहुत अच्छे ये हमारे आज के थर्ड विनर है इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के की तरफ में नाम निकल कर आ रहा है शोहम गांगुली सोहम गांगुली जी सुरभि सिन्हा सरिता मौर्य सोहम गांगुली सुरभि सिन्हा सरिता मौर्य ये हमारे आज के वॉलंटियर है कॉन्ग्रेड्सर बिल्डर well बहुत अच्छे तो ये हमारे आज के वॉलंटियर है चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या कहने वाला है दैट इज टूडे क्विज क्वेश्चन जो अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो किस क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में करना होगा सेशन एंड अप होने के बाद वहां से फिर हम विनर डिसाइड करेंगे और फाइनल आपको मंडे के सेशन में विनर देखने को मिलेंगे क्योंकि कल हमारा स्पेशल सेशन वीकली करंट अफेयर होता है ये सुबह सात बजे ही होगा है ना रिकॉर्डिंग होती है लाइव नहीं होता है ये तो फाइनली आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा क्योंकि ये पूरा वीक में जो न्यूज रही है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगी तो ये रहा आज का क्विज़ क्वेश्चन भारत का पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया जाने वाला है बहुत, बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा आपने ये तो चलिए ये हमारा आज का क्विज क्वेश्चन इसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में आपको करना है तो ये था हमारा आज का सेशन आई आप सभी ने एंजॉय किया होगा अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को ठीक है डियर इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग सेवन एम थैंक यू एवरीवैन गुड बाय टेक केयर जय हिंद सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल अपडेट